नमस्कार विद्यार्थियों, श्री के आर आंध्रा आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दानिरा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बीए सेमेस्टर वन ईओ 105 द्वितीय गौण हिंदी। मित्रों, आगे के वीडियो में मैंने आपके पहले कहानी कहा है। वैसे तो मित्रों आपके अभ्यासक्रम में 6 कहानी है और जैसे बात हुई थी वैसे आपका अभ्यासक्रम जो बदल चुका है, तो ऐसे मैं क्रमशः नहीं पढ़ाती। जो जो कहानी मुझे मिलती है वो कहानी आपको पहले पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी। तो मित्रों उसमें से हमारी जो पहली कहानी है देखे तो पूस की रात, इसके लेखक का परिचय आगे के वीडियो में आपने प्राप्त कर लिया है। तो मित्रों पूस की रात कहानी की कथा वस्तु की चर्चा हम करेंगे। पूस की रात लेखक की प्रेमचंद की कैसी कृषक जीवन, कृषक जीवन आधारित कहानी है। उसमें देखो प्रेमचंद जी ने बताया है मुख्य पात्र उसमें है जो हल्को और मोटे और जबरा नमक उतरा जो पात्र है उसके देखो मित्रों हमको मुन्नी जो उसकी पत्नी जबरा उत्तम तभी तो एक मुख्य तरह पात्र। कहानी का आरंभ लेखक ने ऐसे किया है कि जो किसान इतनी मजबूरी करने के बाद भी उसकी स्थिति कैसी दयनीय होती है, उसका जीवन कैसा होता है, इसका जिक्र इस कहानी में प्रेमचंद ने किया। क्योंकि पहले से हम जानते हैं कि प्रेमचंद भारतीय मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग की दयनीय स्थितियों को, उसमें खास तौर पर जो मजदूर वर्ग है उनकी वेदना को अपने साहित्य में वाचा देते हैं। तो उसमें जो आपने देखा कि जो हल्कू नामक कहानी का आरंभ होता है, सहमाता है और रुपये का तकाजा करता है। हल्को अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है कि शहर आया है, क्या कहे सहने को, कहता है क्या बोल दो, पैसे नहीं है बात में, तो ये पता है कितनी गाली गलौज करेगा, कितना परेशान कराएगा, लाओ वो 3 रुपये कहाँ रखे हैं, दे दो। वो पहले इनकार करती है कि नहीं दूंगी, इस जाड़े में कंबल खरीदना है आपको, तो भी कहता है कि नहीं क्या करें, ये जाड़ा ये स्थिति ये सब तो ये बड़े बड़े महलों वाले बंगलों वाले के लिए, हमारे लिए तो जो है सो है। मुन्नी बार बार इनकार करती है, हल्कों के बार बार कहने से फिर तंग आकर जो अपने संदूक को बचा कर कंबल के लिए रखा है 3 रुपये उसे दे देती है जोर करके। और हल्को वही 3 रुपये लेकर उस समय को देने के लिए ऐसे जाता है जैसे अपना प्राण खींच कर देने जा रहा हो। प्रेमचंद जी ने जो चित्रित किया है कि अपने प्राण खींच कर देने जा रहा हो, ऐसे पैसे लेकर 3 रुपये जाकर दे देता है अपने जिसके खेत जो होता था उस सब मालिक को। फिर शाम होती है, पूष का महीना है जिसे गुजराती में कहते हैं पौष, और उस महीने में ठंडी बहुत ही कड़कड़ाती होती है। जो ठंडी होती है ठंड कहते हैं उसी को सीमा होती है, और उसमें भी खेत में रात में जिसे हम बगड़ा कहते हैं जंगल में रहना कैसी स्थिति होगी, रात्रि के समय हल्को खेत में खेतों की रखवाली करने के लिए फसल की निकल जाता है, वहां पर जाता है, उसके पीछे उसके घर के पास उसके निकट रहने वाला जबरा कुत्ता भी जाता है, बार बार पीछे मुड़ता है पर कुत्ता मानता नहीं, उसके पीछे ही चला जाता है। मित्रों कुत्ता जाता है, फिर दोनों खेत के पास जाकर बैठते हैं, सोचता है ठंड से बचने के लिए क्या किया, लाओ हुक्का हुक्का पीते हुए वो कुत्ते के साथ ऐसे ही बातचीत करता है जैसे वो मनुष्य हो, क्यों आए थे, कहा था ना ठंड में मर जाओगे, पोकट में परेशान होने के लिए आए, पर कुत्ता उसके साथ प्यार से जैसे उसकी बात समझता है वैसे बैठता है। फिर उसने कर्ज खींचा, फिर अपने आप सोचता है इससे कोई ठंड तो नहीं जाती पर मन को शांति मिली, फिर ऐसे करके कुत्ता फिर खेतों की ओर एक चक्कर लगाकर आ गया। वो वहां का
का भाई बैठा रहा, ठंड के मारे उसकी हिम्मत नहीं होती। आसपास देखता है, चलो थोड़ी सी पतली सी एक जो शॉल थी उसको ओढ़ लिया। फिर कहता है, जब तुम्हें भी ठंडी लगती है तो तुम्हारे लिए भी बहुत बना लू। ऐसे बातचीत करते करते कि बहुत जो शीत का महीना मतलब बहुत ठंड कुछ का महीना और रात्रि में उनकी भयानक शांति, चारों ओर का भयानक घनघोर अंधकार, एक तरफ से नीरवता निशब्दता जो डर का माहौल पैदा करे और वही दूसरी तरफ ये ठंड। उसके भी थोड़ी थोड़ी शराहट होती है पत्तों की, तो भी ऐसा महसूस होता है अगर कहीं कोई जानवर कुत्ता फिर से चक्कर लगा देता है, हल्को फिर से चिलम पीता है, फिर लगता है हमको शांति नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा कि चल जबरा हम अग्नि जलाए। आस पास के कुत्ते हैं उसको उठाकर लाकर जलाते हैं, पास के खेत में जाकर जो पेड़ है उनके सूखे पत्ते नीचे गिरे हैं उनको एकत्रित करता है और आसपास से खेतों में से थोड़े से झुंड लाकर जलाता है और उसके पास बहुत बड़ा जो पत्ते होते हैं जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा अग्नि ज्वलित होता है, उसको थोड़ी शांति थोड़ी सी शांति मिलती है। इतने में जबरा कुत्ता भौंकता हुआ आता है और कहता है, फिर वो उससे बात करते हुए कहता है कि तुम भी ठंड लगती है तुम्हारे मार मेरे पास आना चाहिए क्या, इस अग्नि का कूद लगा दो। अग्नि को कुत्ता है फिर से कहता है अभी ठीक नहीं लगा। देखो यहाँ पर एक कुत्ते और मनुष्य के बीच जो मानवीय बात है पारंपरिक रिश्ता होता है, क्योंकि उनके साथ बातचीत रिश्ता करने के लिए कोई और नहीं है, एक कुत्ता उसके लिए बहुत बड़ा परम मित्र अतुत साथी है। तो दूसरी बात होता है फिर जैसे वो बात करने वाला वैसे उसे क्या कहते हैं, देख जबरा घर जाकर मुन्नी को सब बताना है मनना नहीं। जबरा उसकी बात समझता है वैसे वो हिलाता है फिर बैठता है। इतने में कुछ शोर होता है, जबरा कुत्ता भागता है जो और भौंकने लगता है तो उसको थोड़ी आवाज आती है तो उठता है, चलो थोड़ी देर बाद फिर से वो दो तीन बार जबरे को बुलाता है पर जबरा आता नहीं। जबरा भौंकता ही रहता है पर वो आता नहीं। उसकी इच्छा होती है कि वो सुनता है थोड़ा कान लगाकर, कुछ आवाज हो रही है, कैसी आवाज है, लगता है कोई प्राणी मिलता है खेत में आ गए हैं, तो चलो उठकर जाकर देखो। थोड़ा सा ही अलार्म के पास में जो उसने अगड़ी जलाई उसके पास से थोड़ा सा रहता और पवन ऐसी जोर सी लहर की आती है उसके तन बदन में कंपन लगती है। मन में होता है नहीं जाना है, चलो थोड़ी देर बैठ कर फिर बैठ जाता है और उसके पास बैठकर तापने लगता है। फिर कुत्ते की आवाज भौंकने की जोर जोर शुरू होती है और अब तो नील गायों की जो पाक को खाकर चबाते हैं और घूमती है उसका भी आवाज फिर सोचता है उठता हो पर मारे ठंड के उसके नेकी हिम्मत नहीं। वो ये भी जानता है अगर एक पाक सफल नहीं होगा तो जो मालिक है वो तो मुझसे धोनी रकम वसूल करेगा, कहाँ से देगा कैसे देगा सोचता नहीं है। पर मारे ठंड के उसके दिमाग में दिल में इस सारे चिंता के ख्याल दूर चले जाते हैं। मन में होता है एक तरफ से डर पर जाता हो करते करते कुत्ता उसको बुलाने के लिए लगातार भौंकता रहता है पर वो उसकी आवाज सुनता है। फिर अलाव के पास बैठकर सोता है जाओ और अलाव के पास बैठे तापते ऐसे मूल बनकर बैठा है और उसी के बच्चा अचानक उसको एक जो कहा जाता है नींद की जब भी आ जाती है वो सोने लगता है और सोने सोने जो आधी रात से ऊपर तक वो सोया नहीं था, ऐसे सोते 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 सुबह हो जाती है। वो तो अभी तक सोया ही है, धूप निकल आई है और इतने जल्दी से मुन्नी आती है जोर जोर से गिराकर जगा देती है। क्या है अभी तक सोते हो, खेत तो कैसे बेलाल हो गए, सच तुम देख कर आई कि हाँ। फिर उस वक्त जो हल्की मनोदशा है वो लेखक की इस कहानी की मार्मिकता, चिंता इतनी है मुन्नी आकर खेत बेलान की बात करती फिर ये भी कहते हैं अब उसको क्या जवाब दोगे मालिक को, वो तो पैसे मांगेगा। तब मन ही मन ऊपर कहता है मन ही मन प्रसन्न होता है, हर्ष
अब खेत की रखवाली करने तो नहीं आना पड़ेगा। देखो कितनी विडम्बना भाग्य स्थिति कि मनुष्य चाहते हुए भी ये सोचता है कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्योंकि उसको देखने मिलने नहीं है। यहाँ पर जो मनस्पति है कि हल्कों की मनस्थिति है, हल्कों की मनस्थिति व्यक्त होती है कि अच्छा हुआ। और अपनी पत्नी के साथ चलते चलते खेत के पास जाता है सारा पाक का बड़ा बड़ा खेत इन प्राणियों ने बर्बाद कर दिया, ये कहे तो भी गलत नहीं है। थोड़ी देर ऐसा होता है, उनको थोड़ी देर भी सोचते रहे होंगे ऐसा करते, फिर पास के किनारे में जब रहा कुत्ता ऐसे ओढ़ा पड़ा है, लगता नहीं है उसमें प्राण, शायद उसके प्राण चले गए। यानी कि यहाँ पर औरत कुत्ते की स्वामी भक्ति और इन उनके स्वामियों की, इन किसानों के मजदूरों के स्वामियों की, इस कुत्ते की निष्ठा है, कुत्ते की स्वामी भक्ति है। उजागर होती है यहाँ पर हल्कों के मालिक की जो अमानवता उजागर होती है। यहाँ पर मुख्यतः तीन पात्र है, हल्कू मुन्नी मजूरा कुत्ता, वो सामा को माता कहानी की आता है। तो मित्रों और अंत में यहाँ पर कहानी प्रेमचंद जी पूर्ण कर देते हैं। तो पूरी की पूरी कहानी आपको मैंने बता दी कि पूछ की रात का माहौल, वैसे तो आप नेट पर सर्च करेंगे मित्रों आपको कहानी मिल जाएगी, और मिले तो उनके जो मान सरोवर के प्रेमचंद के आठ भाग है उसके दूसरे भाग की ये कहानी है, तो आपको अवश्य प्रेमचंद की मानसरोवर की कहानी देखेंगे तो मिलेगा। तो निकाल कर पढ़ना, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे जो वर्णन प्रेमचंद जी ने किए हैं वो हल्कों की मनस्थिति को किस प्रकार से उजागर करते हैं, मुन्नी की स्थिति को वेदना कैसे व्यक्त करते हैं, ये सब हमें देखने को मिलती है। और जबरा कुत्ता कुत्ते होते हुए भी स्वामी भक्ति की निष्ठा को उजागर किया। तो मित्रों इस प्रकार से ये प्रेमचंद की आपकी जो कहानी है उसकी राह जो गुण होती है, इसके बाद आगे के वीडियो में मैं आपको इसका एक प्रश्न जो मैंने बताया वो समझा दूंगी। तो पूछ की राग की कथा वस्तु और उद्देश्य ये आपको ध्यान से सुनना। अब ये कहानी यहाँ पर पूर्ण होती है, तब के लिए धन्यवाद।